अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लिमिटलेस मेडिकल्स। हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल नर्व। हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल नर्व क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसका कोर्स क्या है, टर्मिनेशन क्या है, रूट वैल्यू क्या है, इसका रिलेशन क्या है और ब्रांचेस क्या है मस्कुलोस्केलेटल नर्व की। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट के। मस्कुलोस्केलेटल नर्व जो है मेन नर्व है फ्रंट ऑफ आर्म की। मस्कुलोस्केलेटल नर्व जो है मेन नर्व है फ्रंट ऑफ आर्म की और ये एल्बो के नीचे कंटिन्यू करती है एज अ लैटरल कोटेनियस ब्रांच। ठीक है, हम जब ब्रेकल प्लेक्सस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि लैटरल कोड ऑफ ब्रेकल प्लेक्सस की जो है तीन ब्रांचेस थी, जिसका निमोनिक था लूसी लाजमी, यानी एल से मतलब लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। उसके बाद थी मस्कुलोस्केलेटल नर्व। जो मस्कुलोस्केलेटल नर्व है, मस्कुलोस्केलेटल नर्व जो है ब्रांच है लैटरल कोड ऑफ ब्रेकल प्लेक्सस की। इसका ओरिजिन देखें तो मस्कुलोस्केलेटल नर्व ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल इन द एक्सिला। Pectoralis minor muscle in the axilla में, in axilla। तो ये इसकी ओरिजिन है। अब एक्जिला में ओरिजिनेट होने के बाद ये पियर्स करती है, एक्जिला से निकलने के बाद ये पियर्स करती है कोराकोब्रेकुलस मसल को और इंटर हो जाती है आर्म में। अब इसका कोर्स देखें तो ये क्या करती है, मस्कुलोस्केलेटल नर्व एक्जिला से निकलने के बाद, एक्जिला से निकलने के बाद कोराकोब्रेकुलस मसल को पियर्स करने के बाद ये डाउनवर्ड आती है। डाउनवर्ड आने के बाद ये क्या करती है, पहले आती है डाउनवर्ड आती है, फिर क्या करती है लैटरली आती है, लैटरली बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियस मसल, बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियस मसल। टू रीच द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, इसका जो कोर्स होता है डाउनवर्ड आती है लैटरली बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियस मसल, टू रीच द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, टू रीच द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। क्या इसकी कोर्स क्या है, ये एक्जिला से कोराकोब्रेकुलस मसल को पियर्स करने के बाद क्या करता है डाउनवर्ड आती है, डाउनवर्ड होने के बाद ये लैटरल हो जाती है और आती है बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियस मसल, टू रीच द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। उसके बाद ये टर्मिनेट होती है, इसकी टर्मिनेशन देखें तो ये टर्मिनेट होती है एज कंटिन्यू करते हुए लैटरल कोटेनियस नर्व ऑफ द फोरआर्म, continuing as the lateral cutaneous nerve of the forearm. ये forearm की lateral cutaneous nerve के तौर पर continue होते हुए terminate होती है two centimeter above the elbow. ये इसकी टर्मिनेशन है। इसलिए अगर रूट वैल्यू देखें मस्कुलोस्केलेटल नर्व की, जो रूट वैल्यू है वो है वेंट्रल रमी है C5 to C7 segment of spinal cord की वेंट्रल रमी है, उसकी C5 to C7 सेगमेंट की
अब इसका अगर रिलेशन देखें तो इसके रिलेशन दो होते हैं, एक होता है एक्जिला में इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला, इसका एक रिलेशन होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला। पहला जो इसका रिलेशन होता है लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला में होता है, लोअर पार्ट ऑफ एक्जिला में होता है। इसका दूसरा होता है इन द आर्म में होता है, इसका दूसरा रिलेशन जो होता है वो आर्म में होता है, इन आर्म। इसका पहला रिलेशन देखें तो पहला रिलेशन कुछ यूं है, ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, अच्छी ये देख लें, ये एंटीरियर है, पोस्टीरियर, मीडियल और ये लैटरल रिलेशन है इसका, ठीक है। अब इसकी एंटीरियर साइड पे क्या होता है, इसकी एंटीरियर साइड पे होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसकी एंटीरियर साइड पे होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है। आपने ये देखना है इस तरह मैं तरतीब से लिख रहा हूं, एंटीरियर साइड पे होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, रैलिस मेजर मसल, और पोस्टीरियर क्या होता है सब स्कैपुलरिस होता है, पोस्टीरियर क्या होता है सब स्कैपुलरिस, पोस्टीरियर सब स्कैपुलरिस होता है, और मीडियल होती है एक्सिलरी आर्टरी एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियल, इसकी मीडियल साइड में होती है एक्सिलरी आर्टरी एंड मीडियल लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, दो चीज होती है इसकी मीडियल साइड पे, एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी और उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी के बाद क्या किया लैटरल रूट होता है मीडियल नर्व का, एक्सिलरी आर्टरी एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल नर्व की जो होती है वो लैटरल रूट होते हैं। उसके लैटरल साइड पे क्या होता है, इसके लैटरल साइड होता है क्रैको ब्रेकलस मसल, इसकी जो लैटरल साइड है वहां पर होता है क्रैको ब्रेकलस मसल, लैटरल रिलेशन में होता है क्रैको ब्रेकलस मसल, ब्रेकलस मसल होता है। अब इसका ये जो है ये इसका एंटीरियर रिलेशन है, ये एंटीरियर है, एंटीरियर ये है, ये पोस्टीरियर है, ये वाला पोस्टीरियर, इसकी पोस्टीरियर साइड में। अब ये जो रिलेशन है ये लैटरल है, इसका लैटरल है, और ये वाला जो रिलेशन है इसका मीडियल रिलेशन है, ये इसका मीडियल रिलेशन, इसके लोअर पार्ट ऑफ एक्सिलरी में क्या होता है इसके चार रिलेशन होते हैं, इसके एंटीरियर साइड होता है पेक्टोरलिस मेजर होता है, इसके एंटीरियर साइड क्या होता है पेक्टोरलिस मेजर, इसके एंटीरियर साइड होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पोस्टीरियर पे होता है सबस्कैपुलरिस, जबकि मीडियल साइड पे होता है दो चीज होती है एक्सिलरी आर्टरी एंड लैटरल रूट होता है मीडियल नर्व का। उसके बाद लैटरल साइड पे होता है क्रैको ब्रेकलस मसल। अब इसके आर्म में देखें तो यहां इसको ये एक्जिला में क्रैको ब्रेकलस मसल को पियर्स करने के बाद आती है आर्म में, और आर्म में क्या आती है डाउनवर्ड आती है, हमने जो यहां पे लिखा है इसका जो कोर्स लिखा है डाउनवर्ड आती है, लैटरल आती है और आती है बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकलस मसल के दरमियान टू रीच द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई के दौरान, इसका ये आर्म में इसका रिलेशन ये होता है। अब इसकी ब्रांचेस देखें, ब्रांचेस जो है मस्कुलोक्रेनस नर्व की वो चार तरह की ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलोक्रेनस नर्व की चार तरह की ब्रांचेस होती हैं, पहली ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांचेस, पहली ब्रांच होती है मस्कुलर ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं ये स्लाइड करती हैं, पहली ब्रांचेज होती हैं मस्कुलर ब्रांचेज। अब ये जो मस्कुलर ब्रांचेज हैं मस्कुलोक्रेनस नर्व की, ये मेन सप्लाई है जो हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म पढ़ा था, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में हमने बात की थी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मेन सप्लाई जो ये वो सप्लाई है, मस्कुलर ब्रांचेज सप्लाई करती हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को, जिसके हमने निमोनिक देखा था, निमोनिक था बीबीसी, निमोनिक था बीबीसी बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकलस एंड क्रैको ब्रेकलस मसल, तो ये तीन मसल को सप्लाई करती है मस्कुलर ब्रांचेज आती है मस्कुलोक्रेनस नर्व, तीन मसल को सप्लाई करती है बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकलस मसल एंड क्रैको ब्रेकलस मसल। दूसरी ब्रांचेज जो थी इसकी वो थी कुटेनस ब्रांचेज, दूसरी ब्रांचेज थी वो कुटेनस ब्रांचेज थी,
क्यूटेनियस ब्रांच, ये जो कुछ क्यूटेनियस ब्रांच है ये सप्लाई करता है स्किन ऑफ द फोर आर्म को, जो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच है ये सप्लाई करता है स्किन ऑफ द फोर आर्म को फ्रॉम एल्बो टू द रिस्ट जॉइंट इंक्लूडिंग थंब बॉल ऑफ थंब। इसकी ब्रांच ये क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है स्किन ऑफ फोर आर्म को, जिसमें आती है फ्रॉम रिस्ट फ्रॉम एल्बो टू द रिस्ट, जिसमें बॉल ऑफ थंब भी शामिल होता है। उसके बाद इसकी तीसरी ब्रांच है आर्टिकुलर ब्रांचेस, इसमें जो तीसरी ब्रांच होती है वो होती है आर्टिकुलर ब्रांचेस, आर्टिकुलर ब्रांचेस। अब इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेस सप्लाई करती हैं एल्बो जॉइंट को एंड शोल्डर जॉइंट को, एल्बो जॉइंट को थ्रू इसकी थ्रू इट ब्रांचेस ऑफ ब्रेकरस मसल की, इसकी जो ब्रेकरस की ब्रांचेस होती हैं उसके जरिए सप्लाई करती है एल्बो जॉइंट को, और शोल्डर जॉइंट को थ्रू इट्स एक सेपरेट ब्रांच के जरिए शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करती हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस। अच्छी जो तीसरी चौथी ब्रांचेस हैं, चौथी ब्रांचेस हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, इसकी जो चौथी ब्रांचेस हैं वो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, कम्युनिकेटिंग की चौथी ब्रांचेस हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस जो हैं कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इट्स नेबरिंग नर्व्स के साथ, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल नर्व कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इट्स नेबरिंग नर्व्स, जिसमें शामिल होता है सुपरफिशियल नर्व सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। नंबर वन कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो है मस्कुलोस्केलेटल नर्व की वो कम्युनिकेट करती है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व के साथ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व के बाद ये करती है कम्युनिकेट करती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। और तीसरे नंबर पर सप्लाई करती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, इसके साथ कम्युनिकेट करती है नंबर पहले नंबर पर है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, दूसरे नंबर पर पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, तीसरे नंबर पर पोस्टीरियर उसके बाद है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हमने बात की है, पहले हमने बात किया मस्कुलोस्केलेटल नर्व क्या है, मस्कुलोस्केलेटल नर्व के ओरिजिन क्या है, इसका कोर्स हमने डिस्कस किया, इसके टर्मिनेशन, इसके रूट वैल्यू, इसका रिलेशन हमने बात की, इसके दो रिलेशन थे, एक होता है लोअर पार्ट ऑफ एक्सिना में और एक आर्म में होता है, और इसका हमने बात की इसकी ब्रांचेज थी, हमने देखिए इसकी चार ब्रांचेज होती हैं, कुछ मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं, मस्कुलर ब्रांचेज सप्लाई करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को, उसके बाद होता है क्यूटेनियस ब्रांचेज, क्यूटेनियस ब्रांचेज सप्लाई करते हैं जो स्किन है ऑफ द फोर आर्म को उसे सप्लाई करती हैं, उसके बाद आर्टिकुलर ब्रांचेज एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं, फिर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज जो हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज कम्युनिकेट करती हैं विद इट्स नेबरिंग ब्रांच नर्व्स, इसमें सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आ गई, और उसके बाद पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व मीडियन नर्व और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व फोर आर्म, सॉरी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फोर आर्म। तो हमने ये बात किया, इन सब के बारे में बात की है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।